नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है खबर मिडडे का। खबर मिडडे में आज हम बात करेंगे कि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की क्या वाकई मुश्किलें बढ़ जाएंगी। एबीवीपी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पर एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला पूरा गरमाया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ वाराणसी के लंका थाने में एफआईआर दर्ज हुई। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय के दिए गए बयान पर एवीपी के छात्रों ने थाने में शिकायत दी थी। कांग्रेस नेता अजय राय ने बीएचयू आईआईटी छात्रा से छेड़छाड़ मामले में एबीवीपी पर टिप्पणी की थी। फिलहाल इस पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। बीजेपी नेता विकास पांडे, कांग्रेस प्रवक्ता अनिल शर्मा, पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। विकास पांडे जी, अनिल शर्मा जी ने कहा कि अजय राय जी ने जो स्टेटमेंट दिया वो गलत नहीं है और कहीं ना कहीं कार्रवाई में भी लापरवाही बढ़ती जा रही है वाराणसी मामले में। देखिए, अगर कार्रवाई में लापरवाही बढ़ती जाती तो आप भी एक महिला हैं, आप भी उस चीज को समझती हैं कि वहाँ एसएचओ को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है और स्वयं प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस पर रिपोर्ट मांगी है और वहाँ की जो कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, उन्होंने तत्काल इस पर छात्रों को मना करके उनकी सात मांगे जो थी छात्रों की उसे मान करके और ये आश्वासन दिया है छात्रों को कि 7 दिनों के अंदर एक एक अपराधी जेल की सलाखों के अंदर होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्य करने की शैली है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि वो इलाहाबाद में केस दर्ज हुआ और उन पर लूटपाट। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा और डीप में जाएंगे तो आपको पता होगा कि वो केस किस तरीके का था और किस कारण से उन पर लिखवाया गया था वो मुकदमा। ये हमारे कांग्रेस के साथी बहुत अच्छे से जानते हैं। वहां पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बवाल हुआ था, उसके सापेक्ष में उनको जानबूझ करके ऐसे घृणित अपराधों में घसीटने के लिए ये काम किया गया और किनके द्वारा किया गया ये हमारे साथी भी बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए अभी एक बड़ा बुनियादी सवाल है। अभी आपको अगर याद हो, कुछ ही दिन पहले की बात है, हम सब ने डिबेट भी की थी कि आसाम की महिला विंग की अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी की महिला यूथ कांग्रेस की जो आसाम की अध्यक्ष है, उन्होंने अपने यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट के ऊपर, नेशनल प्रेसिडेंट के ऊपर कैसे कैसे आरोप लगाए थे। ये किसी बाहर के व्यक्ति ने नहीं लगाए थे, कांग्रेस यूथ कांग्रेस की आसाम की अध्यक्ष ने अपने ही अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाए थे। क्या किया श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, वो स्वयं महिला है। क्या किया बहन प्रियंका गांधी जी ने, वो स्वयं महिला है। मुझे बता दें कांग्रेस के साथी, कांग्रेस का दोहरा चरित्र मैं फिर कहूंगा आपको, अपनी भाजपा का दोहरा चरित्र पांडे जी किसी में छिपा नहीं है। जिस प्रकार से ब्रजभूषण सरन जी को देश की महिलाएं जो राष्ट्र है, अनिल जी, अनिल जी, विकास जी का पक्ष सुनते हैं, उसके बाद आपका पक्ष जानते हैं। जी विकास जी, रखिए अपना पक्ष। देखिए, मैं फिर कहूंगा आपको कि कांग्रेस के कर्मकांड जब जब सामने आएंगे तो ऐसे ही व्याकुलता आपको दिखाई देगी जो हमारे सम्मानित प्रवक्ता साथी ने दी। कर्मकांड का क्या मतलब है? बनारस में जो घटना हुई वो कांग्रेस ने किया है क्या? नहीं, देखिए, बनारस की सबसे बड़ी चीज ये है कि अपनी थोथी राजनीति के लिए एबीवीपी जैसे संगठन के ऊपर इस तरीके के आरोप लगा देना, ये कांग्रेस को थोड़ा। एबीवीपी संसद में तमाम आरोपी तमाम बार निकले हैं, एक जगह नहीं। अनिल जी, अनिल जी, विकास जी का पक्ष सुनिए, उसके बाद आपका पक्ष जानेंगे। जी विकास जी, जल्दी से रखिए अपना पक्ष। अधीरता ना दिखाएं, उनसे कहिए कि अगर उनमें सामर्थ्य है तो पहले मेरे सारे सवालों का जवाब सुन ले, तब अधीरता। ठीक है, ठीक है, दीजिए जवाब। मुझे लगता है कि मैं इस विषय को बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से कह रहा हूँ इसमें, क्योंकि वहां पर एबीवीपी के ऊपर लाछन लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। जिस छात्रा के साथ वहां छेड़छाड़ हुई, निश्चित तौर पर बहुत घिनौना काम है ये। मुझे लगता है कि हमारी सामाजिकता पर बहुत गहरी चोट है कि हम आज इस सभ्य समाज में रहते हैं और बनारस जैसे शहर में, जिसे काफी कहा जाता है, जिसे भगवान शंकर की नगरी के रूप में जाना जाता है, स्वयं पार्वती, माँ पार्वती भगवान शंकर के साथ जहाँ विराजती हो, उस शहर के अंदर अगर इस तरीके की घटना होती है, निश्चित तौर पर हम सबके लिए शर्मसार करने वाली। मुझे लगता है जितनी पीड़ा मुझे है उतनी पीड़ा अनिल जी को भी होगी। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था देखिए कि अजय राय जी को कोई नहीं ढूंढने मिलता है तो वो एबीवीपी के ऊपर हमला करने लगते हैं। अरे भाई, स्वयं उसने कहा है कि वो मन चले थे, वो बाहर से आए लोग थे, स्वयं पीड़िता ये कह रही है। लेकिन अजय राय जी को तो अपना राजनीतिक कनेक्शन तलाशना था। क्यों? क्योंकि इन्हें तो हर जगह सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है। जैसे जेएनयू में इनकी एनएसयूआई भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशा अल्लाह जैसे आंदोलनों को प्रमोट करती रही
और देश विरोधी ताकतों को हवा देती रही है। गलत कह रहे हैं एनएसपीआई ने कभी इस तरह की कह दिया कि जेएनयू में जब स्वयं पीड़िता ये कह रही है कि पीएचयू में जो मंचले थे वो बाहर से आए लोग थे, स्वयं पीड़िता ये कह रही है, तो किस आधार पे अजय राय जी ने किया? इसका मतलब कि आपकी सरकार तो स्वयं स्वीकार। मैं भी बीच में बोलूंगा, आपकी डिबेट खराब हो जाएगी, आप आराम से लिख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद बोलिए। मैं भी बीच में बोलूंगा तो डिबेट खराब हो जाएगी, मेरा आग्रह है आपसे। तमाम तरीके के ऐसे प्रोपोगंडा जो कांग्रेस की विरासत में है, आप समझिए स्नेहा जी, एनसीपी का जहां कोई रोल नहीं, स्वयं पीड़िता ने यह बात कही कि मंचले बाहर से आए हुए व्यक्ति थे, मंचले बाहर से आए हुए मंचले थे। और निश्चित तौर पर जितनी शर्मसार, मैं फिर कहता हूं आपको, जितनी इस कांड को लेकर के विपक्ष के पेट में राजनीतिक उथल पुथल है, उससे ज्यादा हमारे हृदय में पीड़ा है। नहीं होना चाहिए ये ऐसे सभ्य समाज में कतई नहीं, बर्दाश्त के योग्य नहीं है ये सारी चीजें, मुझे लगता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की राजनीति करने की पुरानी आदत है इसमें आजी, ठीक है, फिर कहता हूं आपको, ये कोई नया विषय नहीं है, ये पुरानी आदत है कांग्रेस की। ठीक है, अनिल शर्मा जी, बहुत ही गंभीर आरोप लग रहे हैं कि इतने गंभीर मामले में कांग्रेस राजनीति कर रही है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है। स्नेहा जी, कांग्रेस ने कभी भी किसी की छवि को खराब करने का काम नहीं किया। जिसकी खुद की छवि खराब है, उसको कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात साबित हो रही है। अजय राय जी ने केवल दुखती रथ पर हाथ रखा और ये लोग तिलमिला गए हैं। सत्यता उजागर होते ही तिलमिलाहट और घबराहट इनकी साफ चेहरों से नजर आती है इतने समय में। विकास जी जी, मुद्दा बहुत ही गंभीर है। अभी लगातार अनिल शर्मा जी कह रहे हैं कि हम पूरे विद्यार्थी परिषद पे नहीं आरोप लगा रहे, लेकिन कुछ लोगों की वजह से पूरा विद्यार्थी परिषद बदनाम है, तो ऐसे में तो छवि खराब करने की बात ही हट गई, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि कुछ लोगों की वजह से। देखिए, मुझे लगता है कि अनिल जी ने अपने नेता अजय राय जी का स्टेटमेंट नहीं सुना। मुझे लगता है यही बात अनिल जी अगर अजय राय जी को समझा देते तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन अजय राय जी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आप भी उसी वक्तव्य पे चर्चा कर रही है, बताइए अजय राय जी ने अगर व्यक्ति विशेष का नाम लिया हो, व्यक्ति विशेष की बात की हो, उन्होंने सीधे तौर पर एबीवीपी के ऊपर आरोप लगाया। आप देख लीजिए उनके वक्तव्य, स्वयं स्वयं इनके नेता और इनके कार्यकर्ताओं में, इनके प्रवक्ता के बीच में सामंजस्य नहीं है, मुझे लग रहा है इनके नेता। डरिए बीच में, मैं नहीं बोला लगातार अजय राय जी के बयान की चर्चा कर रहे हैं। अनिल जी, विकास जी, हम लोग लगातार अजय राय के बयान पे चर्चा कर रहे हैं। अजय राय का बयान है कि इस घटना में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की संलिप्तता है, इसका मतलब क्या हुआ विकास जी? यही मैं कह रहा हूँ आपको कि अभी आप कह रही थी कि इनके प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कुछ व्यक्तियों की बात है, व्यक्तियों की बात का जब आप संगठन के कार्यकर्ताओं को केंद्रित करते हैं तो संगठन इन्वॉल्व होता है, पहले समझिए। दूसरी चीज, अभी हमारे अनिल जी सम्मानित साथी कह रहे थे कि आवाज दबने वाली नहीं है, अभी इन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि हमारी आवाज दबने वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं दबनी चाहिए, मैं भी कहता हूँ, लेकिन वो आवाज तब कहाँ चली जाती है जब राजस्थान के अंदर आपका मंत्री बलात्कार के आरोप में गिरता है, आपकी आवाज तब कहाँ चली जाती है जब आसाम की आपकी यूथ कांग्रेस की आसाम की प्रदेश प्रेसिडेंट आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाती है, सबको आवाज कहां दब जाती है कि जिस पार्टी का नेतृत्व एक महिला करती है, जिस पार्टी में दूसरे नंबर की लीडर एक महिला हो, उस पार्टी के अंदर वो आवाज तब कहां दब जाती है स्नेहा जी? ये बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेस की आवाज दबती नहीं है, डरिए मत, नहीं गलत टिप्पणियां आरोप में लगाया। और रही बात अजय राय जी, अजय राय जी के मैंने नहीं लगाया भाई, आपकी यूथ कांग्रेस की खुद की प्रेसिडेंट ने आपके नेता के ऊपर आरोप लगाया। मैंने बिल्कुल कांग्रेस में आरोप लगाने के बाद बीजेपी उनको ले लेती है बड़े आराम से। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, फिर आप दोहरा रवैया मत निपटाइए, महिला दोहरा रवैया आप अपना रहे हैं, खूब डालो शासन करो की नीति को बिल्कुल बंद कीजिए बहन भाई साहब। महिलाएं महिलाएं होती हैं इसी डिबेट में, स्नेहा जी को याद होगा कि पिछली डिबेट में मैंने महिलाएं महिलाएं होती हैं, सभी महिलाओं पर अत्याचार हो, तय करिए, मेरे टर्म में भी नहीं बोल रहा अनिल जी। मैडम, बेबुनियाद आरोप अगर लगाए जाएंगे तो आवाज, तो आपको अभी आपकी बारी आ रही है, आप जवाब दीजिएगा। अभी जी विकास जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, अनिल शर्मा जी का पक्ष जानते। बहुत ईमानदारी से मैं फिर कहूंगा आपको,
महिलाओं के विषय के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, देश की सुरक्षा के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं फिर कहता हूं आपको कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र उनके पतन का कारण है। कांग्रेस की आसाम की यूथ विंग की प्रेसिडेंट अपने ही नेता के ऊपर आरोप लगाती हैं और उन्हें हाथी पर कर दिया जाता है, तब ना कांग्रेस का नेतृत्व करने वाली आदरणीय सोनिया गांधी जी को दो शब्द आते हैं जबान पर, और ना ही बहन प्रियंका गांधी के जबान पर दो शब्द आते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वयं कांग्रेस के अंदर हो रहा था, तो कांग्रेस के अंदर महिलाओं के साथ छेड़छाड़, उनके साथ जाती अलाउ है क्योंकि वो कांग्रेस में है। कांग्रेस के अंदर की महिलाएं हो सकता कुछ अलग हो देश में रहने वाली महिलाओं से, ये प्रवृत्ति है। जब राजस्थान का मंत्री इनका बलात्कार में फंसता है तो पूरी कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता की जवान से एक सवाल नहीं निकलता है। ये दोहरा चरित्र है कांग्रेस का, मुझे लगता है बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहूंगा इसमें जी, राजनीति ऐसे विषयों पर बंद होनी चाहिए। अगर अजीत सिंह जी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए FIR के आधार पर, तो तत्काल हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता यही डिबेट में मांग करें कि FIR तो दर्ज अजय राय जी पर भी हुई है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अनिल शर्मा जी वो अलग मुद्दा हो जाएगा, फिलहाल हम मुद्दे पे चर्चा करते हैं क्योंकि मुद्दा अपने आप में बहुत ही गंभीर हो चुका है। एक तरफ लगातार ये कहा जा रहा है कि महिलाओं के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और बयान सबके सामने आ रहे, ठीक है विकास जी, दीजिए जवाब। देखिए मैं फिर कहूंगा आपसे कि इन्हें हर जगह राजनीति दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है यहाँ जी? इन्हें कभी भी देश से, समाज से कभी कोई लेना देना कांग्रेस का रहा नहीं। जिनकी नजर में महिलाएं टंचमाल होती हैं, वो यहाँ आकर के महिलाओं पर प्रवचन दे रहे हैं, तो बड़ा मुझे लगता है कि बड़ा दुखद है, और देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी, कि आज 100 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को पहले अपने गिरेवान में झांकना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों और विधायकों पर कार्रवाई की, उन्हें जेल खींचा। अगर वो आरोपित थे तो जेल से निकलने में उनके ठिकने ढीले हो गए, और आप याद कर लीजिए कि उनकी सदस्यता तक चली गई भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांसद से। मुझे बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के मंत्री के ऊपर बलात्कार का आरोप लगा, एक बार भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने उस पर कोई जवाब दिया हो इसने आज ही, तो मुझे बता दीजिए आप। मुझे बता दीजिए कि आसाम की महिला यूथ कांग्रेस की महिला अध्यक्ष ने इनके नेता के खिलाफ आरोप लगाए बड़े पैमाने पर, बड़े गंभीर आरोप थे वो। कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने कोई एक बयान तक दिया हो मुझे बता दे, नहीं दिया। ये दोहरा चरित्र ही तो है कांग्रेस का जो आज देश के सामने खड़ा हुआ है, और यही कारण है कि जनता ने इन्हें दरकिनार कर दिया है। मैं फिर कहता हूँ इसमें आज ही, अजय राय जी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, ये वही अजय राय हैं जिन्होंने गठबंधन को भी अपनी ओछी बयानबाजी के बल पर ही इनके अपने स्वयं के गठबंधन को ताक पर रख दिया। आप याद कर लीजिए कि अखिलेश यादव जी के लिए कैसे कैसे बयानबाजी किए थे, यही वो अजय राय जी हैं जो एक तरफ तो INDIA गठबंधन बना रहे थे कांग्रेस पार्टी के लोग, और अजय राय जी उस पर लीपापोती कर रहे थे। तो अजय राय जी बयानवीर नेता हैं, वो बयानों से राजनीति करने में विश्वास रखते हैं, यथार्थ से उनका कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई लेना देना जानते और समझते हैं। मैं फिर कहता हूँ इलाहाबाद की जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं चुनौती देता हूँ कि आप उस पर अपने स्तर से भी जांच करा लीजिए, अगर उसमें जरा सी भी सच्चाई होगी आरोपों में तो कार्रवाई होगी। लेकिन दिक्कत यहाँ पर है कि राजनीतिक रूप से आप आरोप लगाने से पहले ये समझिए विषय क्या था। विषय था वहां पर आंदोलन का, आंदोलन में वो प्रतिभाग कर रहे थे, इस कारण से उन पर मुकदमा लिखाया गया। क्यों? क्योंकि वहां पर एक कांग्रेस के NFUI के बड़े नेता का हाथ था उनके ऊपर, जिन्होंने शिक्षकों के पीछे खड़े होकर के राजनीति मत करिए, आपका काल में इतिहास है, समझे? ये काल्पनिक इतिहास आपका है, इसमें आज गलत बात है, इसमें आज ये भी बीच में बोलेंगे। अनिल जी कितनी बार मैं आप लोगों को एक ही चीज के लिए टोकूं भाई, विकास जी रखिए अपना पक्ष। मुझे लगता है मेरी बातों को धैर्य से सुने, और मैं तथ्यात्मक बात कहता हूँ, मैं इसका प्रूफ दे दूंगा, आपको आवश्यकता हो उसमें जी मुझसे मांग लेना, मैं तथ्य के बाद ही कोई। विकास जी, अनिल जी दोनों लोग वापस वाराणसी पे आ जाते हैं क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं, अगर चर्चा करेंगे तो इतना समय नहीं है, एक ही मुद्दा बहुत गंभीर है उस पर ही चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार क्या है वजह, क्यों ABVP को लेकर के इतना बड़ा बयान दिया गया, और अगर इतना बड़ा बयान दिया गया FIR दर्ज हो गई, लेकिन क्या वाकई एक बार जांच के लिए कोई उधर कदम बढ़ाया गया है? विकास जी उनके बयान का राजनीतिक मायने आप इस तरीके से समझ लीजिए, मैंने पहले भी कहा आपको कि स्वयं विक्टिम ने यह कहा है कि जो मन चले थे वो बाहर से आए थे, और एकमात्र त्रिकालदर्शी इनके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं, जिनको उसमें भी त्रिकालदर्शी हैं, क्योंकि उन्हें अंदर से पता नहीं क्या दिख गया।
स्वयं जो विक्टिम है वो कह रही है बाहर से आए मन चले थे स्नेहा जी, और इनके त्रिकालदर्शी प्रदेश अध्यक्ष जी को जाने क्या क्या दिख रहा था, बहुत अंदर तक देख सकते हैं, मुझे लग रहा है अपनी पार्टी में भी अंदर तक देखेंगे, भविष्य में प्रयास करेंगे। दूसरी चीज मैं फिर कहूंगा स्नेहा जी, ये हमारी गंभीरता है कि हमारे विधायक पर जब आरोप लगते हैं तो हम उन्हें जेल भेजते हैं, हम उन्हें जेल भेजने का काम करते हैं और उनकी सदस्यता तक चली जाती है। ये हमारी कार्य करने की पद्धति है, कार्य करने का तरीका है, हमारे कार्य करने का तरीका है। तत्काल वहां के SHO को लाइन हाजिर कर दिया गया है और वहां के असिस्टेंट कमिश्नर ने तुरंत जो भी आंदोलनरत छात्र थे उनकी सातों मांगों को मानते हुए 7 दिन का समय दिया है कि 7 दिन के अंदर अपराधी जेल के अंदर होंगे, एक एक अपराधी जेल के अंदर होगा। निश्चित तौर पर सरकार की गंभीरता आपको इसी से दिखाई दे जाती है, और राजनीतिक महत्वाकांक्षा कांग्रेस की नेता के बयान से साफ झलकती है कि विक्टिम कुछ और कह रहा है और कांग्रेस के नेता अपना राजनीतिक एंगल तलाश रहे हैं। ठीक है, अनिल शर्मा जी लगातार विकास जी कह रहे हैं कि विक्टिम कुछ और कह रहा है और कांग्रेस कुछ और कह रही है, क्यों? सब्र कीजिए, सब सामने आ जाएगा। ये बहुत सारे आरोप लगाते हैं, मुंबई में बीजेपी के महिला कार्यकर्ता अपने सहयोगियों पर सरकार के आरोप लगाए थे, खुले यहाँ पूछ लीजिए, अजय राय राजनीति कर रहे थे ना, यानी अभी आपको स्पष्ट ही नहीं है कि विक्टिम ने क्या बयान दिया है, यानी अजय राय जी अपनी जगह गलत थे, कम से कम ये तो आदरणीय प्रवक्ता महोदय स्वीकार कर लीजिए। अनिल जी के पास बहुत दिक्कत हो रही है आवाज की, चेक किया जाए। विकास जी मुद्दे पे फाइनल कमेंट। इतने जी मैं फिर कहता हूँ आपको कि राष्ट्र के जुड़े मुद्दों पर और समाज से जुड़े मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे वो धर्म का जुड़ा मुद्दा हो समाज से रिलेटेड, चाहे वो महिलाओं से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे वो देश की सेनाओं से जुड़ा मुद्दा हो। ये बहुत गंभीर विषय होते हैं और किसी भी राजनीतिक दल की असली परीक्षा तभी होती है जब वो विपक्ष में होता है, और विपक्ष में रह करके जब आप राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, सत्ता के लिए ऐसे उलझुल बयानबाजी, बेवजह के कमेंट करते हैं तो आपकी निष्ठा पर चोट पहुंचती है, और मुझे लगता है यही काम कांग्रेस पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैंने कहा कि विक्टिम का वक्तव्य अलग है, वो कह रही है बाहर से आए थे छेड़छाड़ करने वाले, और कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अजय राय जी का वक्तव्य आप देख लीजिए, 100% राजनीति से प्रेरित वक्तव्य, 100% ना खाता ना टिक, जो कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष कह दे वही सही की पद्धति पर चल रहे हैं, चाहे वो उनके स्वयं के गठबंधन को लेकर हो, चाहे वो आज इतने गंभीर विषय को लेकर के हो, कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता ने भी आज उस विषय पर कोई गंभीर टिप्पणी की हो तो पूरी डिबेट आप सुन लीजिएगा, बहुत गंभीर विषय था इस पर मुझे ऐसे विषयों पर तो पक्ष और सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक साथ खड़ा होना चाहिए, समाज में ऐसी कुरीतियों को दूर करने के लिए ही हम आगे आए हैं, जितनी जिम्मेदारी सरकार में रह करके हमारी है सर श्रीमान जी उतनी विपक्ष में रहकर आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम सरकार में भले ही आज 5 साल के लिए हैं लेकिन अंततः हमें इसी समाज में रहना है, इसी समाज का अंग है हम, तो मुझे लगता है जितनी जिम्मेदारी हमारी है उतनी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की भी है। ऐसे उल जलूल बयान निश्चित तौर पर सरकार को भी कमजोर करने का काम करते हैं और कांग्रेस पार्टी की मंशा और कार्य पद्धति पर भी बड़े सवाल उठाते हैं, क्योंकि एक तरफ उसकी विक्टिम ये कह रही है कि छेड़छाड़ करने वाले बाहर से आए थे, और इतने बड़े छात्र संगठन के ऊपर आपने ऐसे गंभीर आरोप लगा दिए जिनका कोई आधार नहीं, जिनका कोई दूर दूर तक आधार नहीं, ऐसे आरोप लगा करके आप अपने आप की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगा रहे हैं जी। फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार